हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीसीपी। आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही क्यूट एंड ब्यूटीफुल से डीआईवाईज, जो बिल्कुल ही फेस्टिव डीआईवाईज होने वाले हैं एंड इन्हें आप बहुत ही इजीली पेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ कटआउट्स मैंने लोकल सीएनसी शॉप से कट करवाई थी। उनके पास सीएनसी एंड लेज़र दोनों कटिंग होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ प्री मार्क्ड कटआउट्स मैंने इस बार लाए हैं एंड इनको सिर्फ मैं अपने वीडियोस के लिए ही नहीं, अपने स्टोर पे भी इनको शेयर किया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं अपने बिजी बी स्टोर का लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां पे चेक कर सकते हैं। तो मैंने बहुत ज़्यादा कटआउट्स नहीं कटवाए हैं कि बस रैंडम कुछ भी चाहिए, कुछ सेलेक्टेड पीसेज ही कटवाए हैं एंड मैं हमेशा सेलेक्टेड पीसेज ही रखने वाली हूँ। मुझे कोई MDF रॉ मटेरियल का स्टोर नहीं चलाना है। बस ये कि मैं जो भी अपनी वीडियोज़ में शेयर करती हूँ तो कितनी बार प्रॉब्लम होती है कि हम सबके पास नहीं होता एंड क्योंकि उसका कोई सोर्स भी नहीं होता। मैं क्योंकि लोकल से कट करवा लेती हूँ और ख़ुद ही पेंट करती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ, तो इस बार सोचा कि क्यों ना जो भी चीज़ें मैं कट करवा रही हूँ वो थोड़े एक्स्ट्रा कट करवाऊँ, सो दैट कि आप भी बहुत ही ईजिली उन्हें मुझसे ले सकते हैं एंड आप अपने अकॉर्डिंग उन्हें पेंट कर सकते हैं। तो अब ये आप कंप्लेन नहीं कर सकते मुझे कि आपने तो ये कट करवा लिया, अब हम कहाँ से लाएँ। अब आपको बहुत ही ईजिली मेरे स्टोर से आप इसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी क्यूट से कटआउट्स हैं। ये मैंने पहले भी बहुत सारे बना के अपने स्टोर पे शेयर किया था एंड सारे बिक गए। बहुत ज़्यादा तो नहीं थे बट जितने भी थे वो बिक गए एंड मैंने सोचा कि फिर से इन्हें कट करवाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फिर से कट करवाया है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही सेलेक्टेड पीसेज हैं एंड यही मैं रखने वाली हूँ। एक दो घटाते बढ़ाते तो रहेंगे ही। यहाँ पर ये मैंने मुरक्कन जो टाइलिंग होती है उसका भी एक कटआउट कटवाया है एंड ये मेरी फेवरेट है, स्वीट सी दिवाली वाली लेडी। तो इसके पीछे आप हुक या फिर मैग्नेट कुछ भी लगा सकते हैं एंड इन्हें पेंट करके आप अपने मम्मी को, दीदी को, भाभी को, किसी को भी गिफ्ट दे सकते हैं। इनफैक्ट आप खुद को भी गिफ्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पे अब फटाफट से हम इसे पेंट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक बेस कोट यहाँ पे जेसो का अप्लाई किया है, बहुत ही थिन रखा था मैंने, इसलिए मैं स्पंज यूज़ कर रही हूँ एंड जब ये कम्प्लीटली ड्राई हो गया तब मैंने इसे यहाँ पे पेंट किया है। पेंट करने के लिए कलर तो जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके ऊपर है कौन सा कलर आपके पास अवेलेबल है, कौन सा कलर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, उसके अकॉर्डिंग आप इन्हें पेंट कर सकते हैं। बैकग्राउंड मैंने थोड़ा सा ब्लूइश टोन रखा है एंड बाकी जो लेडी है इनको मैंने फुल कलरफुल बनाया है एंड बहुत ही स्वीट लग रहा था, तो वो आप आगे देखेंगे कि कैसा लग रहा है। तो फेस पेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे फ्लैश टिंट शेड यूज़ किया है। मैं यहाँ पे एक्रेलिक कलर्स का ही यूज़ कर रही हूँ, चॉक पेंट मैंने यहाँ पर यूज़ नहीं किया है एंड फटाफट से हम अपनी लेडी को पेंट कर लेंगे। तो ये प्री मार्क बेसिस में सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है ना कि आपको ट्रेसिंग वगैरह करने का कोई झंझट नहीं है कि प्रिंट आउट लाओ, कार्बन पेपर लाओ, बैठ के ट्रेस करो एंड उसके बाद पेंट करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है क्योंकि कितनी बार ट्रेसिंग्स हमारे पेंट के पीछे कवर हो जाते हैं तो वो दिखते नहीं हैं। तो लेकिन यहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं है। प्री मार्क में ये हो जाती है कि आप कितनी भी लेयर कर देते हैं पेंट की, वो आपके जो मार्क्स हैं वो बहुत ही ईजिली विजिबल होते हैं। तो जब मैं लेडी के बाल पेंट कर रही थी उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि वी ऑल लव लॉन्ग शाइनी हेयर्स एंड हम सबको पता है कि एग्स हमारे बालों के लिए एक मैजिकल इंग्रेडिएंट है। एग्स भले हम खाएं या बालों में लगाएं, दोनों ही कंडीशंस में अमेजिंग है कॉज दे आर रिच इन प्रोटीन एंड बायोटीन विच हेल्प्स टू इन्हांस फ्लेक्सीबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड ओवरऑल वेलनेस ऑफ हेयर। बट एग्स को बालों पे अप्लाई करना इज़ सीरियसली अ मेसी टास्क, बट वॉट इफ़ हमें गुडनेस ऑफ एग प्रोटीन मिल जाए वो भी हैसल फ्री। तो इसके लिए मामा अर्थ लाए हैं एग प्लेक्स रेंज विद द बेनिफिट्स ऑफ एग प्रोटीन एंड कोलाजन फॉर स्ट्रॉन्ग एंड स्मूद हेयर। एग प्रोटीन हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग एंड डैमेज रिपेयर करने में हेल्प करता है एंड कोलाजन स्मूद एंड शाइनी बनाता है। इसके साथ केराटिन हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग एंड स्मूथ बनाता है एंड स्प्लिटेंट्स एंड ब्रेकेज भी कंट्रोल करता है। एंड इतना ही नहीं, इसके साथ साथ ये सल्फेट एंड पैराबेन फ्री भी है। तो यहाँ पे खेलते कूदते मैंने शैम्पू लगा लिया है एंड आप फोम देख सकते हैं कि कितना ही फोम हो रहा है यहाँ पे। तो अब हम इसे वॉश कर लेंगे एंड वॉश करने के बाद हम कंडीशनर अप्लाई करेंगे। एक दो मिनट के लिए हम कंडीशनर रखेंगे एंड उसके बाद उसे भी हम वॉश कर लेंगे।
तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि मेरे डार्क सर्कल्स कितने बढ़ गए हैं, बट नहीं, मैं लाइट के अपोजिट बैठी हूँ, इसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं। मुझे भी लग रहा था जैसे कि किसी ने मुझे घूंसा मार दिया हो। वेल, मामा अर्थ के सारे प्रोडक्ट्स आपको अमेजोन, नायका, फ्लिपकार्ट, पर्पल एंड मामा अर्थ के ऑफिशियल वेबसाइट एंड ऐप पर भी अवेलेबल है। अगर आप मेरा कूपन कोड खुशबू 2022 यूज़ करते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ, लेकिन ये ऑफ़र आपको सिर्फ मामा अर्थ के वेबसाइट एंड ऐप पर ही एप्लीकेबल है। तो इतनी सारी अच्छी चीज़ों के साथ एक और अच्छी चीज़ है कि मामा अर्थ का एक प्लांट इनिशिएटिव भी है, जिसमें जितनी बार भी आप इनके प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं तो ये आपके ऑर्डर को एक प्लांट से लिंक करते हैं और उसे प्लांट करते हैं। इनका टारगेट है 2025 तक 1 मिलियन ट्रीज प्लांट करने का। तो मैं सारे लिंक्स आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब वापस से हम आते हैं अपनी लेडी की तरफ। तो पेंट हो जाने के बाद जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा तब यहाँ पे मैंने थोड़े से बॉल चेन, थोड़ी स्टोन चेन एंड थोड़े से स्टोन्स वगैरह जो मेरे पास पहले से थे, मैं पहले यूट्यूब से पहले जब मैं जॉब करती थी तब फ्री टाइम में ज्वेलरीज बनाती थी, तो उनमें से ही कुछ सप्लाईज़ मेरे पास अभी भी बचे हुए हैं एंड उनको ही मैं यहाँ पर यूज़ करती हूँ अपने छोटे मोटे DIYs में, इसलिए मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। वेल, ख़त्म हो जाएगा तो मैं ले आऊँगी, मार्केट में तो बहुत ही ईजिली अवेलेबल है, बट है तब तक मैं उन्हें ही यूज़ कर रही हूँ। तो कोई भी फेस्टिवल हो हमें सिर्फ बहाना चाहिए होता है रेडी होने के लिए, तो यहाँ पे मेरी लेडी भी रेडी हो चुकी हैं एंड इनकी शाइनिंग हमेशा ऐसे ही बरकरार रहे, ये ऐसे ही चमकती रहे, दमकती रहे, उसके लिए मैंने यहाँ पे एक कोट वार्निश का अप्लाई किया है। ये वार्निश है लिटिल बॉडी का डेकोर वार्निश एंड इन सारे आइटम्स का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्यूट सा DIY रेडी है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर। तो नेक्स्ट DIY के लिए मैंने यहाँ पे ये क्यूट सा एलिफेंट कटआउट यूज़ किया है। ये मैंने पहले भी बनाया था, तब मैंने इसका वीडियो शेयर नहीं किया था, सिर्फ अपने स्टोर के लिए मैंने बनाया था एंड वो सारे सेल आउट हो गए एंड बहुत बार उसके इंक्वायरीज़ भी आई कि क्या ये अवेलेबल हैं, बट मेरे पास नहीं था तो मैंने सोचा चलो फिर से कट करवाते हैं एंड इस बार मैं रॉ मटेरियल भी रख रही हूँ इसका, मैं प्री मार्क जो इसका कटआउट है वो भी मैंने रखा हुआ है। सारे मैं पेंट नहीं करने वाली हूँ, आपको अगर खुद से पेंट करना हो तो किसी भी कलर कॉम्बिनेशन में कोई भी डिज़ाइन आप यहाँ पे बना सकते हैं एंड ये कटआउट भी मेरे स्टोर पे अवेलेबल है तो आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे कटआउट को मैंने कम्प्लीटली पहले पेंट कर दिया, मैंने बेस के लिए चॉक पेंट यूज़ किया है। चॉक पेंट बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है, बट उसका जो टेक्स्चर होता है, उसका जो लुक आता है ना, वो बहुत ही सुंदर आता है, इसीलिए मैं बहुत बार चॉक पेंट यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने सर्कल्स बना लिए, उनको पेंट कर लिया है एंड अब यहाँ पे थोड़े से मैं मिरर्स यूज़ कर रही हूँ एंड बॉल चेन का यूज़ कर रही हूँ। आप अगर इसे परचेज़ करते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग भी इसे पेंट कर सकते हैं या फिर आप सेम टू सेम भी बना सकते हैं, तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है एंड चाहे तो आप कार्डबोर्ड से भी बना सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप MDF ही यूज़ करें। बट क्या हो जाता है कि अगर आप कार्डबोर्ड से बनाते हैं तो कुछ टाइम बाद वो थोड़े से टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं एंड एट द एंड हम उन्हें डंप ही कर देते हैं, तो इसलिए जब मैं इतना खर्चा कर रही हूँ, पेंट ख़रीद लिया, शीशे लगा दिए, सितारे मोती सब चिपका दिया, तो बेस अगर थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है ना तो आप उन्हें अच्छे से डेकोरेट कर सकते हो, उन्हें को आप अच्छे से हैंडल करते हैं, केयर करते हैं उनकी। बट अगर आप कार्डबोर्ड पे बनाते हैं तो आपको लगता है अरे यार कार्डबोर्ड ही तो है, फेंक दो, हटा दो, इधर रख दो, उधर रख दो, तो ये चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे कम्प्लीटली पेंट हो जाने के बाद एक मैं यहाँ पे वुडन बेल का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो वो जो गोल्डन वाली छोटी छोटी बेल्स आती हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं या फिर टैसल्स भी लगा सकते हैं, तो ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। यहाँ पे थोड़े से मैंने मिरर्स इस पर भी स्टिक कर दिया है एंड उसके बाद आई पिन की हेल्प से इस तरीके से मैं बेल को अपने क्यूट से एलिफेंट में अटैच कर दूँगी। तो हमारे थर्ड आर्ट के लिए मैंने यहाँ पे 10 इंच का एक राउंड MDF लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ लिटिल बर्डी का स्कल्पचर पेस्ट, ये मैंने लिया है इत्से बित्से से, इन सब का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। एंड कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, दोनों शेड्स को मिक्स करते हुए थोड़ा सा ब्लेंड करूँगी सो दैट कि एक सनसेट का
लुक एंड फील आएगा। बहुत थोड़ा सा स्कल्पचर पेस्ट यहाँ पे यूज़ होने वाला है क्योंकि हमें एक थिन लेयर रखनी है, बहुत थिक नहीं करना है, इवनली स्प्रेड करना है। आप यहाँ पे पैलेट नाइफ या फिर घर में अगर कोई नाइफ है, स्केल है, तो उससे भी कर सकते हैं। एंड कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसे कर लिया है। अब इसको हम कम्प्लीटली ड्राई होने देंगे। तो देखिए कितना ही सुंदर लग रहा है। अब हम चलते हैं अपने कटआउट की तरफ। यहाँ पे ये एक बुद्धा का कटआउट है जिसको मैं पेंट करने वाली हूँ एक्रेलिक कलर से। ऊपर का जो लोटस है जिसमें आपको आउटलाइंस दिख रही हैं, उनको मैंने पिंक एंड वाइट से कुछ इस तरीके से पेंट कर लिया है। एंड जो रिमेनिंग पार्ट है उसको मैंने यहाँ पे ब्लैक एक्रेलिक कलर से पेंट किया है। तो बेसिकली हम यहाँ पे एक सिल्वेट बना रहे हैं। पीछे हमने सनसेट का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो यूज़ किया है, एंड आगे हमने ब्लैक बुद्धा रखा है। एंड क्योंकि दो यहाँ पे लोटस हैं ऊपर और नीचे, तो ऊपर वाले को मैंने यहाँ पे डिफरेंट कलर दिया है। तो हमारा बेस यहाँ पे ड्राई हो चुका है। अब इसको हम एक बॉर्डर देंगे। बॉर्डर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये मून शेप का मिरर यूज़ किया है। एंड इसे स्टिक करने के लिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक ग्लू का यूज़ किया है। ये मैंने एक इंस्टाग्राम स्टोर से लिया है, उनका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों को हमने अलग अलग से रेडी कर लिया है। एंड अब हम इन्हें यहाँ पे स्टिक कर देंगे। स्टिक करने के लिए मैंने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ग्लू का यूज़ किया है। ये भी मैंने इट्सी-बिट्सी से ही लिया है। तो जितने भी आइटम्स मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ उन सब का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। एंड अगर आप मेरा कूपन कोड खुशबू5 यूज़ करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 5% ऑफ भी मिलेगा। तो अब हम चलते हैं अपने लास्ट DIY की तरफ। तो आजकल ये पिचुई आर्ट बहुत ही ट्रेंड में है, तो इसे भी मैंने कट करवाया था। एंड जैसो अप्लाई करने के बाद जब ये कम्प्लीटली ड्राई हो गया तब मैं यहाँ पे चॉक पेंट से स्पंज की हेल्प से इसे डैप करते हुए पेंट कर लूँगी। जब ये ड्राई हो गया है बेस, तब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ब्राउन एंड वाइट मिक्स करके एक शेड यहाँ पे रेडी किया है। एंड कुछ इस तरीके से थोड़ी सी डिटेलिंग की है। डिटेलिंग काफ़ी ज़रूरी हो जाती है आपके आर्टवर्क को और भी सुंदर बनाने के लिए। तो फ्लैट पेंट भी आप कर सकते हैं, अगर आपको डिटेलिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो ज़रूरी नहीं है कि आप डिटेलिंग करें, तो आप किसी और तरीके से डिटेलिंग कर सकते हैं। लाइक कि आप ये 3D आउटलाइनर्स का यूज़ कर सकते हैं, स्टोन्स वगैरह का, सीक्वेंस वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। बट क्योंकि ये सारे फेस्टिवल रिलेटेड DIYs थे तो इसलिए मैंने इन्हें अच्छे से कलरफुल बनाया है, थोड़ा सा ग्लिटरी भी बनाया है, थोड़े मिरर्स यूज़ किए हैं। एंड कुछ इस तरीके से हमारा जो ये कटआउट था नंदी का वो रेडी हो चुका है। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैं 3 शेप्स यूज़ कर रही हूँ लोटस के। इनको भी मैंने वाइट एंड रेड से कुछ इस तरीके से पेंट कर लिया है। एंड आउटलाइन करने के लिए मैंने रेड कलर यूज़ किया है। बस इतना ही किया है। ये जब पूरे सेट रेडी हो जाएंगे तब हमें लास्ट में इन्हें आपस में अटैच करना है। ये भी जब पेंट हो गया तब मैंने यहाँ पे एक ये ड्रॉप शेप का मिरर यूज़ किया है। एंड मेरे पास लकीली ये तीनों शेप थे, मतलब तीनों साइज़ थे, तो उनको मैंने यहाँ पे स्टिक कर दिया है। आप इसे नॉर्मल पेंट करके भी छोड़ सकते हैं। एंड देखिए अटैच करने के बाद ये कितना ही सुंदर लग रहा है। अभी मैंने पीछे हुक इंस्टॉल नहीं किया है। ऊपर की तरफ भी आप छेद कर सकते हैं, इसमें होल बना सकते हैं, बट मैंने नहीं बनाया है, तो मैं पीछे हुक इंस्टॉल करने वाली हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरा आज का ये क्यूट सा DIY वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यस, डू लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन बिलो। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।